नमस्कार दोस्तों, आज हम खेलने वाला है 5+3 ब्लिट्स गेम। एंड आई होप इस गेम से आपको सीखने को ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। थिंक अपोनेंट ऑफलाइन चला गया है। लेट्स फाइंड द नेक्स्ट अपोनेंट। ओके, गेम जो है फेयर हो चुका है। मेरा रेटिंग है 1546 और मेरा अपोनेंट का है 1453। नाइस मूव, सिंपली हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अनदर अटैक करता हूँ तो लेट्स डिफेंड दिस। एंड यहाँ पे अपना बिशप जो है वो लॉन्ग डायगोनल पे रख के खेल सकते हैं। शायद मैं यहाँ पे खेलना चाहिए था। मुझे यहाँ पे कैसल नहीं करना चाहिए था, बिकॉज फर्स्ट आई हैव टू डिफेंड। ओके, अभी भी कुछ गेम में नहीं बिगड़ा, ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरे लिए एडवांटेज है, बिकॉज यहाँ पे मुझे अटैकिंग चांसेस जो है वो मैं इसको थोड़ा होल्ड करते हैं। फर्स्ट डेवलपिंग माय वाइट बिशप एंड यहाँ पे डायरेक्टली अटैक पड़ सकता है। ऑफ कोर्स हम कैप्चर भी कर सकते हैं। एंड ये जो बी फाइल है, आप अपन वे फाइल भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं खेल सकता हूँ अटैकिंग द क्वीन। एंड उसके बाद यहाँ पे सिर्फ चेक आ सकता है, बट आई कैन कैप्चर। ओके, डिस्कवरी में फंस गया, इसलिए मैंने यहाँ पे होल्ड किया था और बिशप पहले डेवलप किया था, ताकि अपोनेंट यहाँ पे कुछ ना कुछ अगर गलती करता है तो उसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। सो आई हैव टू होल्ड सम मूव्स एंड क्या, आई थिंक यहाँ पे एक ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे पॉन तो कैप्चर तो नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दिस पिन। एंड कैप्चर कैप्चर, मैं यहाँ पे एक्सचेंज तो नहीं करना चाहता। ओके, मेरे लिए बेटर यही रहेगा मैं क्वीन को क्वीन साइड ले जाऊँ, बिकॉज यहाँ पे अटैकिंग करना इजी हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये पॉन ले सकता है, बट मेरा बिशप जो है वो फ्रीली डेवलपमेंट हो जाएगा।
नाइस मूव के डेवलप दिस बिशप. यहाँ पे अटैक जो है वो डेड होने वाला है बिकॉज दोनों बिशप जो है वो किंग की ओर देख रहे हैं. अगर मैं यहाँ पे कैप्चर कर रहा हूँ तो बिशप ट्रैप हो जाएगा. सो इट्स ओके, मैं यहाँ पे अलाउ कर सकता हूँ ऐसे देखा जाए तो कैप्चर. उसके बाद ओके मेरा यहाँ पे मैं कैप्चर भी कर सकता हूँ. उसके बाद अगर पुश आता है तो यहाँ पे बिशप जो है वो ट्रैप हो जाएगा. ओके दोस्तों, हम अलाउ करते हैं बिकॉज अटैकिंग के लिए इजी हो जाएगा. और बिशप भी ऑफ कोर्स देख रहा है उन्होंने 7th रैंक. लेट्स मैं यहाँ पे रुक को ले जाता हूँ देन कैप्चर. उसके बाद ओके, उसके बाद हम बिशप से चेक दे सकते हैं. देन क्वीन टू D7, देन यहाँ पे और एक चेक आ सकता है बट ही कैन एस्केप. ओके फर्स्ट फर्स्ट जो है वो हम सेव कर लेते हैं. ओके मैं यहाँ पे ब्लॉक तो नहीं करूँगा. इवन मेरा सीटो पहुंच जाता है, इट्स बेटर फॉर मी. अगर मैं कैप्चर करता हूँ उसके बाद पुश आता है देन बिशप कैप्चर पॉन कैप्चर देन यहाँ से चक आएगा एंड क्वीन जो है वो मिल सकता है. स्टिल यहाँ पे मेरा नाइट जो है वो अंडर अटैक है. ओके यहाँ पे मैं क्वीन खेल सकता हूँ. ऑफ कोर्स मेरा नेक्स्ट थ्रेट है बट एट द सेम टाइम आई एम डिफेंडिंग माय नाइट आल्सो. यहाँ पे मेरा नाइट जो है वो अपना काम नहीं कर रहा है गेम में विच इज़ ऑन H4. यहाँ पे फोर्स है चेक. आई कैन कैप्चर. यहाँ पे अपोनेंट के पास जो बहुत ही टाइम बच गया है. अगर मेरा नाइट यहाँ पे नहीं होता तो यहाँ पे डेडली चक आ सकता था.
आप जो है वो काम कर रहे हैं मेरे नाइट। देखिए यहाँ पर ब्लैक पीसेस जो है वो स्टिल अपने होम पर है, टू माइनर पीसेस। ओके यहाँ से चेकमेंट है दोस्तों, लेट्स सी। नहीं है, बिकॉज वो बैक भी ले सकता है। ओके सिंपली कैप्चर कर सकता है बस। सो आई विल टेक दिस एंड उसके बाद हम नाइट सी फाइव एंड क्वीन इनटू बी। ओके नाइट सी फाइव जो है वो प्रिवेंट कर रहा है, नाइस। बिशप से रिकैप्चर करेंगे यहाँ से। सॉरी दोस्तों, यहाँ से मेरे को कमेंट में उतना नहीं दे पाया था बिकॉज टाइम प्रेशर की वजह से। अब यहाँ पे चेक आ सकता है बिकॉज ओके दोस्तों चेक कमेंट, बिकॉज यहाँ पे मैं सोच रहा था क्वीन आएगा, बट जैसे ही यहाँ पे बिशप ने ब्लॉक किया मेरे को यहाँ पे चांस था, बट मैं टाइम प्रेशर की वजह से मेरा सभी ध्यान टाइम क्लॉक पे था एंड आई थिंक वो अभी भी ला सकता है क्वीन। ओके दोस्तों ऐसे सिंपली सिंपली ब्लंडर आपको नहीं करना है जैसे मैंने किया, एंड आई होप इस गेम से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। शायद मैंने यहाँ पे बहुत सारे मिस्टेक किए होंगे। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं एज यूजुअल, बाय।